प्राचीन सभ्यता एवं रीति रिवाजों को निर्वाह करते हुए अलीगढ़ के प्राचीन सिद्धपीठ गिलहराज जी मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देव दीपावली का आयोजन किया गया है। मंदिर के महंत कौशलनाथ जी ने बताया कि वर्ष 2006 से मंदिर में देव दीपावली मनाई जाती है और उस वर्ष मात्र 51 दीप के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। आज मंदिर में 31,111 दीप जलाकर देव दीपावली मनाई जा रही है। मंदिर में विभिन्न विभिन्न प्रकार से धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जहां एक और महिला सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मंदिर परिसर में रंगोली बनाकर एवं मंदिर की साज सज्जा का कार्य भी किया गया। शहर की अन्य सामाजिक संस्थाओं ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर व्यवस्था संभालने का कार्य किया। कोरोना के चलते मंदिर के कार्यक्रम को फेसबुक लाइव एवं जूम ऐप से भी जोड़ा गया है, जिससे दूर दराज से भक्त मंदिर की महाआरती एवं कार्यक्रम को देख सके। अलीगढ़ में हर वर्ष परंपरा है दीपावली महोत्सव मनाने की, लेकिन इस बार कोविड-19 होने के कारण भी लोगों के अंदर उत्साह था और हमारा जो संस्कार है उसको भी हम बनाए रखना था, हमारी संस्कृति है उसको भी बचा के रखना था। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमने अब की बार लोगों से कहा कि आप घर बैठकर जूम ऐप के द्वारा हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम देव दीपावली जो महोत्सव है उसमें जुड़े, लेकिन इसके साथ लोगों में इतना था कि पिछली बार 21,111 दीपक थे और इस साल 31,111 दीपक लोगों के बीच हैं और हम परम्परा से प्रार्थना करते हैं अगले वर्ष कोरोना खत्म हो और हम लोग इस हजारों की संख्या को दीपों को लाखों की संख्या में पहुंचाएं, यही हमारी प्रभु की कामना है। कहाँ से आए हो आप? वृंदावन से। क्या है आज गिलहराज जी हनुमान मंदिर के सौजन्य से पंचदश देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत अचल सरोवर के समस्त घाटों को लगभग 31,000 से अधिक दीपकों के द्वारा जगमग किया गया है। प्रत्येक वर्ष यह आयोजन होता है, विगत 15 वर्षों से हम कर रहे हैं। 51 दीपकों से श्रृंखला बढ़ते हुए 31 तक पहुँची है और जिस तरह कोरोना काल होने के बाद भी एवं अचल सरोवर पर निर्माण कार्य होने के बाद भी तमाम दिक्कतों के उपरांत इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ है, तो निश्चित रूप से अगले वर्ष यह देव दीपावली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया इतिहास लिखने जाएगी, संख्या हजारों से लाखों में पहुंच जाएगी। सभी लोगों का इस तरह उत्साह बना रहा, तो सभी घाटों को सजाया गया रंगोली से, पुष्प से, वाटर रंगोली से एवं दीपकों को प्रज्वलित करते हुए बाबा महाकाल की महाआरती का आयोजन किया गया है। कोरोना काल के चलते किस तरीके की व्यवस्था की गई है मंदिर परिसर में? कोरोना काल के चलते हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम के माध्यम से, तमाम माध्यमों से इसका प्रसारण किया है और आप देख सकते हैं सभी लोग मास्क का प्रयोग करते हुए यहाँ उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से कोरोना का असर है और जब ये कोरोना निश्चित रूप से जाएगा तो ये दीपावली और भी भव्य। Thank you.
देखने में ज्यादा मजा है। वीडियोस देखें ऑन डेली हंट।